वो आदमी टाइल को हटाकर अंदर छिपा हुआ एक छोटा आईना निकालता है, फिर वो उसे चम्मच से फोड़ता है, जिसके बाद वो एक लंबा पतला टुकड़ा निकाल लेता है और बाकी टुकड़ों को कागज में लपेट देता है। उस आदमी ने बाकी टुकड़ों को शौचालय में फेंक दिया था, इससे पहले कि वो उसे नीचे बहा पाता। जेल गार्ड अचानक कमरे की जांच करने के लिए आ जाते हैं। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर आ गए। बिना सोचे समझे आदमी ने टुकड़े को अपने मुंह में डाल लिया। उन सभी की एक एक करके तलाशी ली जाती है। तलाशी लेने के बाद उन्हें दरवाजे के पास इंतजार करना पड़ता है। गार्डों को सेल की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी। आदमी को डर था कि उन्हें कांच के टुकड़े मिल जाएंगे। जब वो जांच कर रहे थे तो वो शौचालय का फ्लश स्विच खींच देता है। कांच के टुकड़े तुरंत अंदर चले जाते हैं। गार्ड पूछते हैं कि यह किसने किया। उस आदमी ने शांति से उत्तर दिया कि वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि शौचालय को बाहर से फ्लश करना कैसा होता है। गार्डों को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। फिर गार्डों ने बक्सों को खंगालना शुरू कर दिया और उनकी जांच करने के लिए उनका सारा सामान फर्श पर फेंक दिया, यहां तक कि खिड़कियों पर लगी सलाखों की सावधानीपूर्वक जांच की। फिर वे संतुष्ट होकर सेल से बाहर चले जाते हैं। जब वे चले गए तो उस आदमी ने डोरी और एक टूथब्रश निकाला। फिर उसने आईने के पतले टुकड़े को टूथब्रश के हैंडल से बांध दिया। फिर उसने उसे सेल के दरवाजे की छेद से बाहर निकाला। आईने में टुकड़े के माध्यम से वो सेल ब्लॉक में गार्डों को देख सकता था और टूथब्रश को घुमाकर पूरे गलियारे पर नजर रख सकता था। ये छोटा दर्पण उनके भागने के लिए महत्वपूर्ण है।